और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किया। कुल 31 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिया गया, जिसमें 23 छात्र और 8 छात्राएं थी। कुल 56 स्वर्ण पदक वितरित किए गए तथा लगभग 13,733 छात्र छात्राओं को उपाधियां वितरित की गई। राज्यपाल द्वारा ये सभी उपाधियां डिजी लॉकर में ट्रांसफर की गई। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को किट भी दिया गया। कॉन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह हुआ, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। यहाँ अलग अलग राज्यों के छात्र तो आते ही है, विदेश से भी अनेक छात्र यहाँ पढ़ाई लिखाई करने के लिए, संस्कृत हो प्राकृत हो, ऐसे पुराने विषय सीखने के लिए आते हैं। ये गौरव का विषय है। दूसरी बात यह है कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण बेस लाइन है। उसके बिना हम कुछ भी आगे बढ़ा नहीं सकते। हमारी सारी भाषाओं उसके ऊपर निर्भर है। उसके अलावा हमारा विज्ञान का ज्ञान हो या इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, ये सारा छिपा हुआ जो ज्ञान है इसको प्रकट करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी जरूरत है और ये जो कार्य कर रहा है बहुत सराहनीय है। जो अभी तक शिक्षा पद्धति थी वो काले अंग्रेज पैदा कर रही थी, कांग्रेस काले अंग्रेज थे वास्तव में। अब वास्तविक इस देश की मूल चिति, मूल प्रकृति और मूल आधार का व्यक्ति आया है और उसने पूरे भारतीय संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, हमारे एजेंडा को पूरा करके एक नए भारत को निर्माण कर रहे हैं, नए कलेवर मिला रहे हैं। उसमें ही ये भूमिका अपने ये विश्वविद्यालय भी निभाने के लिए आगे हो चुका है कि 350 साल लगभग पुराना विश्वविद्यालय ये संस्कृत और संस्कृति की धरोहर है, इसलिए ये अगुवाई भी करेगा और अगुवाई कर भी रहा है। देखिए, आज दीक्षांत समारोह था, वो भी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का था। यहाँ पे दीक्षांत समारोह जब भी होता है तो विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियां बताता है और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, उनको मेडल देने के लिए, उनको उपाधि देने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। तो आज बड़ा शानदार कार्यक्रम था और इसलिए भी शानदार था क्योंकि हम लोग बच्चों को डिग्रियां दे रहे थे, उनको उपाधि दे रहे थे और गवर्नर मैडम भी यहाँ पे मौजूद थी, उनका भी आशीर्वाद सबको मिला। तो बहुत ही पुराना ये विश्वविद्यालय है और इसका 42वां दीक्षांत समारोह था। सभी बहुत हर्षित थे और बच्चे जाकर के देश को विकसित बनाने में उनका योगदान रहे, ऐसा आशीर्वाद हम सबने बच्चों को दिया।